और इधर भोपाल से बड़ी खबर, कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। पूर्व उपनेता प्रतिपक्ष विजय सिंह दरबार बीजेपी में शामिल होंगे। कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष विजय सिंह दरबार बीजेपी में शामिल है। तो तस्वीरें सामने आई, शामिल हो गए हैं। तो चलिए, तस्वीरों ने खुलासा कर दिया, विजय सिंह दरबार बीजेपी में शामिल। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वहां मौजूद हैं, तस्वीरें आप देख रहे हैं, और पूर्व मंत्री वहां मौजूद हैं, और साथ ही साथ उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव भी मौजूद। तो कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष जय सिंह दरबार बीजेपी में शामिल। हमारे विशेष संवाददाता एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज, विजय सिंह दरबार है, जय सिंह दरबार है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, जरा सही कर दे मुझे भी। देखिए विजय, जय सिंह दरबार है और बहुत ही कद्दावर नेता है कांग्रेस के, पहले वहां से चुनाव भी लड़े हैं, पार्षद भी रहे हैं, उसके बाद उनकी पहचान इस रूप में होती है कि सामाजिक कामों को लेकर कई तरह के वो कार्यक्रम उज्जैन में चलाते रहते हैं। लेकिन उसी क्षेत्र से वो चुनाव लड़ते रहे हैं जहां से मोहन यादव भी चुनाव मैदान में रहे हैं। आज बड़ी कामयाबी जब मिली है, जब जय सिंह दरबार ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में पारस जैन, जो पूर्व मंत्री है, वर्तमान मंत्री मोहन यादव, सभी कार्यकर्ता वहां पहुंचे हुए थे और भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने दामन थाम लिया। एक तरह से कहा जा सकता है कि 2023 से पहले कई तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, उसमें विकास की बात भी की जा रही है, लेकिन अपने संगठन को, भारतीय जनता पार्टी के संगठन को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे मजबूत किया जाए, तो जय सिंह दरबार उसमें एक बड़ा नाम है उज्जैन का, दक्षिण विधानसभा से, और इसीलिए संभावना यही जताई जा सकती है कि शायद ये इसमें प्रयास मोहन यादव के ही रहे होंगे। और जय सिंह दरबार ने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया, अब वो बीजेपी के होंगे, जो कभी कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से वो पार्षद रहे हैं और तमाम तरह की जिम्मेदारी निभाते रहे विजय। लेकिन ये गुलदस्ता देखकर ये लगता है मनोज की बड़ी खुशी है उनको बीजेपी में आने की, लेकिन अपना राजनीतिक भविष्य क्या देखते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो कई बड़े कद्दावर नेताओं के बीच हैं। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही विजय, और यही है कि जब एक तरफ पारस जैन खड़े हों, एक तरफ मोहन यादव खड़े हों, और उसके बीच में यदि हमें जय सिंह दरबार नजर आ रहे हैं, जितना उज्जैन की राजनीति को भी मैं समझता हूँ, तो बिल्कुल आपने अच्छी बात कही है। अब वो कहाँ उनका भविष्य होगा, कहाँ वो क्या कुछ कर पाएंगे, क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि अपने अपने सपने लिखते रहते हैं, कांग्रेस में सपने पूरे हो नहीं पाए, अब क्या भारतीय जनता पार्टी में पूरे हो पाएंगे। लेकिन जिन लोगों ने भी उसको उनको ज्वाइन कराया होगा या उनके साथ आए होंगे, तो जाहिर सी बात है कि उनका काम जरूर आसान हो जाएगा, पर जय सिंह दरबार के शामिल होने से भारतीय जनता पार्टी को जरूर मजबूती मिलेगी। चलिए, कोई ना कोई कमिटमेंट जरूर किया होगा, शायद उसी कमिटमेंट की खुशी उनके चेहरे पर हो। आगे देखते हैं क्या राजनीतिक भविष्य है, और यह तो भविष्य के गर्त में ही छुपा है, लेकिन इसी भविष्य को लगातार हम टटोलने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए मनोज।